दिल्ली पब्लिक स्कूल राउरकेला के द्वारा आयोजित नवी कक्षा में आप सबका स्वागत है। नवी कक्षा में हिंदी में हम लोग पहले पाठ के रूप में रैदास के पदों की पढ़ाई करेंगे। रैदास के पद, इससे पहले कि पाठ की शुरुआत करें, मैं रैदास के बारे में कुछ बताना उचित समझता हूं। रैदास भक्ति काल के एक महान संत थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड आदिकाल के नाम से जाना जाता है। संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो कालखंड है वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड भक्ति काल, संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक का जो समय है वह भक्ति काल के रूप में जाना जाता है। संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक का कालखंड रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और संवत 1900 के बाद जो है आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो इन चार कालखंडों में रैदास का जो स्थान है वह भक्तिकाल में है। भक्तिकाल एक ऐसा काल है हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यह वह काल है जिस काल में एक से बढ़कर एक संत कवि हुए। यह वह काल है जिस काल में एक से बढ़कर एक सूफी संत हुए। इस काल में राम भक्ति शाखा के कवि हुए। इस काल में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए। भक्ति काल का यह जो इतना बड़ा कालखंड है उसमें भी कई धाराएं प्रवाहित हुई। भक्ति काल की जो मुख्य धाराएं हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो भक्ति धाराएं प्रवाहित हुई, ज्ञान मार्गी भक्ति और प्रेम मार्गी भक्ति। रैदास ज्ञान मार्गी भक्त कवियों में से थे। इसी भक्त परंपरा में कबीरदास हुए, नानक हुए, धन्ना हुए, पीपा हुए। जो निर्गुण मार्गी कवि हुआ करते थे वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। उनका यह मानना था कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, लेकिन ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर प्रकृति के कणकण में विद्यमान है, वह अंतर्यामी है और मानव जाति की या समस्त प्राणियों की पीड़ा हरने वाला है। रैदास जो रविदास के रूप में भी जाने जाते हैं, समाज के बिल्कुल नीचे तबके से आए थे और उन्होंने अपनी साधना के द्वारा समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया और एक महान संत के रूप में जाने गए। तो रैदास के बहुत सारे पद हैं। उन पदों में से दो पद आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं। रैदास के जो पद हैं उनमें से कुछ पद ऐसे भी हैं जिन्हें पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किया गया है। रैदास ने अपने पदों के माध्यम से हमें ज्ञान का संदेश दिया, आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बारे में बताया और उनके पदों में भक्ति की एक गहराई जो है नजर आती है। इसके साथ ही साथ उनका यह मानना है कि ईश्वर अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। अमीर गरीब जाति पाति की दीवारों से ऊपर ईश्वर जो है वह समदर्शी है और सबका कल्याण करता है। तो रैदास के बारे में जो दो पद हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम उन दो पदों की पढ़ाई करेंगे। पहला पद जो है कुछ इस प्रकार है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन धन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाति ज्योति बने दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे मिलही सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहना सा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से रविदास क्या कहना चाहते हैं? भक्त और भगवान के बीच में जो गहरा संबंध है, उसी संबंध के बारे में वे बताते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम की रट लग चुकी है, अब आपके अलावा या आपको छोड़कर संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि मेरा मन लगे। वे रात दिन परमात्मा की भक्ति में डूबे रहते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं और वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम की जो रट लग गई है वह रट आसानी से जाने वाली नहीं है, बिना आपके दर्शन के यह रट समाप्त तो होने वाली नहीं है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, आपके नाम की जो रट लग गई है वह जाने वाली नहीं है, आप मेरे जीवन में पूरी तरह से समा चुके हैं। जिस तरह से चंदन पानी में जब घुल जाता है तो उसकी खुशबू जल में व्याप्त हो जाती है, पूरी तरह से उसकी सुगंध जो है जल में आ जाती है, उसी तरह से आप की भक्ति जो है, आपके प्रति जो भक्ति भाव है मेरे हृदय में, इस तरह से रच बस गया है कि वह अब जाने वाला नहीं है। आपके नाम की जो रट लग गई है यह रट अब जाने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब यहां भगवान और भक्त की तुलना कई अलग अलग चीजों के साथ की गई है। कवि ने भगवान की तुलना प्रकृति के और कई अलग अलग चीजों के साथ की है और भक्त की तुलना भी और दूसरी चीजों के साथ की है। और वे कहते हैं कि अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूं। उन्होंने कहा कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अगर आप घन हैं, बादल हैं, तो मैं वन का वह मोर हूं जो काले बादलों को देखकर झूम उठता है, नाचने लगता है। अगर आप घन हैं तो मैं वन का मोर हूं, जैसे चितवत चंद चकोरा। रात दिन मैं आपका स्मरण करता हूं, आपको याद करता हूं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से चकोर पक्षी चांदनी रात में चांद को एक तक निहारा करता है। चकोर पक्षी के बारे में यह कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात चांद की ज्योत्सना से वह इतना प्रभावित होता है कि रात भर एक तक वह चकोर चांद को निहारता रहता है, उसकी सुंदरता को निहारता रहता है। ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मैं रात दिन आपका स्मरण करता हूं, जिस तरह से एक चकोर पक्षी चांद का दीदार करता है, चांद को निहारता है और एक अलग दुनिया में वह चला जाता है, मैं वैसा ही महसूस करता हूं और उतनी ही एकाग्रता के साथ मैं आपका स्मरण करता हूं। आगे कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाति ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु, अगर आप दीपक हैं तो उस दीपक में जलने वाली बत्ती मैं, अर्थात मेरा और
आपका और मेरा जो संबंध है वह बहुत गहरा संबंध है, अटूट संबंध है। अगर आप दीपक हैं तो उस दीपक में जलने वाला बत्ती मैं हूं। जाकी ज्योति बने दिन राती, और अब तो हाल यह है कि आपकी ज्योति मेरे हृदय में रात दिन जलती रहती है। मेरे हृदय में आपकी भक्ति की ज्योति रात दिन प्रज्वलित होती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धारा। रैदास ने आगे कहा कि हे प्रभु, अगर आप मोती हैं तो उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा मैं हूं। जब मोतियों की माला बनानी होती है तो मोती के बीच में एक छोटा सा छेद बनाना पड़ता है, उसमें धागा डालना पड़ता है। तो इस तरह से अगर तुम मोती हो तो उस मोती में पिरोया जाने वाला मैं धागा हूं, और जैसे सोनही मिलत सुहागा। आप मेरे जीवन में इस तरह से रच बस गए हैं जैसे सोने में सुहागा मिल गया। सुहागा के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा रसायन है, जब हम सोने को तपाते हैं और सोने को और शुद्ध करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा सुहागा मिलाते हैं। सुहागा मिलाने से सोने की चमक बढ़ जाती है, उसकी शुद्धता बढ़ जाती है और सोने में एक निखार आ जाता है। तो अगर मैं सोना हूं तो उस सोने में डाला जाने वाला सुहागा आप हैं, अर्थात आपके आ जाने से, आपके मेरे हृदय में समा जाने से मेरे जीवन में एक निखार आ गया है। जीवन को देखने का, समझने का मेरा जो नजरिया है वह पूरी तरह से बदल चुका है। और कहीं ना कहीं वह यह महसूस करता है कि परमात्मा के संसर्ग में आने के कारण उसका व्यक्तित्व जो है वह और अधिक निखर आया है। आगे रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। उन्होंने कहा कि अगर आप स्वामी हैं तो स्वामी की सेवा करने वाला दास भक्त मैं हूं। यहां पर कवि ने दास से भक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, और परमात्मा को वे अपना सब कुछ मानते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम स्वामी हो, परमात्मा तो इस चराचर जगत का स्वामी है। हम यह मानते ही हैं कि पूरे संसार को परमात्मा ही संचालित करता है। तो ऐसे में वह कहता है, कवि यह कहते हैं, रैदास यह कहते हैं कि अगर तुम स्वामी हो तो मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ दास हूं, ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास की जो भक्ति है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति जो उनकी भक्ति है वह इसी प्रकार की है। तो हमने इस पद में यह देखा कि रैदास ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि भगवान और भक्त के बीच में कैसा संबंध है। वह यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि आप मेरे जीवन में पूरी तरह से रच बस गए हैं, आपके जीवन, आपके बिना मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है, आप मेरे जीवन में कण कण में पूरी तरह से व्याप्त हैं। अब रही दूसरे पद की बात, तो दूसरा पद थोड़ा इससे अलग है, और इस पद के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर जो है वह संघर्षी है। समाज में, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति ईश्वर का दृष्टिकोण जो है एक समान है। वह भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब जैसी मानसिकता से बिल्कुल अलग परमात्मा सबको अपना मानता है, और जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी संकट की घड़ी में परमात्मा का स्मरण करता है तो परमात्मा उसके जीवन के संकटों को दूर करते हैं, परमात्मा उसका उद्धार करते हैं।
भगवान का परमात्मा का जो संघर्षी रूप है इसी का वर्णन करते हुए रैदास कहते हैं कि ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसनिया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही धरे, नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद का आहुत न डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु सरे, कही रविदास सुनहू रे संत हूं हरिजूते सभे सरे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, साफ साफ शब्दों में रैदास यह कहते हैं कि ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे, हे लाल हे ईश्वर, इस संसार में तुम्हारे अलावा कौन ऐसा है जो मेरा उद्धार करे, मेरे जीवन के संकटों से मुझे बाहर निकाले, ऐसा कोई नहीं है। अगर जीवन के संकटों से दुखों से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे, गोविंद गरीब निवाज को सैया मेरा माथे छत्रु है। हे प्रभु, आप तो गरीब निवाज हैं, आप गरीबों का भला करने वाले हैं, गरीबों पर उपकार करने वाले हैं, और आपने ही मेरे माथे पर एक तरह से छत्र धारण किया है या छत्र रखा है। गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्रु धरे, मेरे सिर पर आपके आशीर्वाद की घनेली छाया है। अर्थात वह पूरी तरह से यह मानता है कि परमात्मा के अलावा, प्रभु के अलावा, ईश्वर के अलावा और कोई दूसरा उसका उद्धार करता नहीं है, और आज वह जो कुछ भी है वह उसी परमात्मा के कारण है, उसके आशीर्वाद के कारण है, उसके आशीष के कारण है, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा परमात्मा की घनेली छाया रही है। जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ढरे, जाकी छोटी जगत को लागे, जिसकी छूट संसार को लगती हो। अर्थात हमारे समाज में मध्य काल में जाति पाति की दीवारें बहुत ऊंची थी, समाज में बहुत बड़ी खाई थी, और जिसके कारण समाज के कुछ ऐसे तबके थे जिसकी तरफ लोग घृणा की दृष्टि से देखा करते थे, अछूत मानकर समाज का एक बड़ा वर्ग उसे दूर भागता था। तो उनके बारे में रैदास कहते हैं कि जाति छोटी जगत को लागे, जिसकी छूत संसार को लगती थी या लगती है, ऐसे लोगों पर भी तुम अपनी कृपा बरसाते हो, ऐसे लोगों पर भी तुम्हारी कृपा बनी रहती है, तापर तू ही धरे। अर्थात तुम ऐसे लोगों के प्रति भी उतने ही उदार हो, और समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों का भी तुम भला करते हो, उनका उपकार करते हो। जाति छोटी जगत को लागे तापर तू ही धरे, नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद का आहुत न डरे। नीच हूं ऊंच करे, समाज में जो नीचे हैं उनको अपने आशीर्वाद से वह ऊंचा स्थान दिलाता है। अगर किसी भक्त में भले ही समाज के किसी वर्ग से वह आता हो, लेकिन अगर उसके पास अगर या उसके अंदर कुछ पाने की पात्रता है, अगर उसमें कुछ पाने की पात्रता है, तो तुम मुक्त हाथों से उसे देते हो और समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हो। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद का आहुत न डरे। रैदास साफ साफ कहते हैं कि परमात्मा मेरे जो भगवान है, मेरे जो परमात्मा है, समाज में जो नीचे तबके जो नीचे हैं,
जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उनका भी उद्धार करते हैं और वे किसी से डरते नहीं है। वे लीडर निर्भीक, वे यह नहीं देखते कि उनके ऐसा करने से समाज का एक बड़ा वर्ग उनसे दूर चला जाएगा या उनसे नाखुश हो जाएगा। वे किसी से डरते नहीं है कि भगवान या परमात्मा के द्वारा किए गए इस कृत्य को देखकर हो सकता है कुछ लोग बुरा मानते हैं, तो उनकी बला से। उनका काम है अपने भक्तों का उद्धार करना, तो वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। नीचे हूं ऊंचे करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन कर। अब यहां पर रैदास ने कई नाम ऐसे बताए और कहा कि चाहे नामदेव हो, चाहे कबीर हो, त्रिलोचन हो, सदना हो, ये उस समय के जाने माने भक्त कवि थे और ये समाज के नीचे तबके से आते थे, लेकिन परमात्मा ने इनका भी उद्धार किया, भगवान ने इनका भी उद्धार किया और समाज में महान संत के रूप में इन्हें स्थापित किया। आज भी नामदेव का नाम बड़े आदर के साथ हम लेते हैं। कबीर हो, त्रिलोचन हो, सदना हो, सैनो हो, इन सबका नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि भले ही समाज के नीचे तबके से आए हुए थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान के बारे में, जीवन के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें बताई, प्रेरणादायी बातें बताई, उन बातों को अपने जीवन में अंगीकार कर हम अपने जीवन को और उदार बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। तो एक कि समाज के किस वर्ग से आते हैं उसे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ताकि ईश्वर ने इन सबका भला किया, क्योंकि इनके हृदय में बाकी प्राणियों के प्रति, संसार के प्रति, लोगों के प्रति जो सम्मान का भाव है, जो आदर का भाव है, वह परमात्मा ने देखा कि इनका हृदय कितना निर्मल है, इसीलिए उन्होंने इनका उद्धार किया और समाज में ऊंचा स्थान दिलाया। कही रविदास नमूरे संत हूं। रविदास कहते हैं कि हे संत, हे संतो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हर जीव के सभय से कहा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सब कुछ करने की शक्ति रखता है। परमात्मा अगर यह ठान ले कि उसे कुछ करना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और यही कारण है कि परमात्मा दिन दुखियों का, समाज के नीचे से नीचे तबके से आए हुए व्यक्ति का भी भला करते हैं। वे गरीब निवाज हैं, गरीबों के उद्धार करता है। अगर भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति भावना है, आस्था है, तो वे उसका उद्धार करते हैं। तो इस तरह से रैदास ने इन दो पदों के माध्यम से अपनी बात कही है। पहला पद जो है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, पहले पद में वे बार बार यही कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में कितना गहरा संबंध है। उन्होंने भगवान की तुलना चंदन से की है, चांद से की है, भगवान की तुलना उन्होंने बादल से की है, मोती से की है, दीपक से की है, स्वामी से की है, सुहागा से की है। दूसरी तरफ भक्त की तुलना उन्होंने पानी से, मोर से, बाती से, मोर से, बाती से, चकोर से, धागा से, सोने से और दास से की है। और दूसरे पद में वे बार बार यही कहते हैं कि ईश्वर बहुत ही महान है और वे दिन दुखियों का भला करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। उनकी कृपा जो है समाज के हर वर्ग के प्रति होती है, विशेषकर समाज के नीचे तबके का वे पूरा ध्यान रखते हैं और ऊंच नीच की भावना से, जाति पाति की भावना से, अमीर गरीब की भावना से वे बिल्कुल अलग हैं, वे समदर्शी हैं। और जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है
उनकी शरण में जाता है तो निश्चित रूप से वे उसकी रक्षा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। तो हमने इन दो पदों की पढ़ाई की। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। अब प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, पाठ के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उसका उल्लेख कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, पहले पद में भगवान की तुलना चंदन से, चांद से, बादल से, दीपक से, मोती से, सुहागा से और स्वामी से किया गई है, और भक्त की तुलना पानी से, चकोर से, मोर से, बत्ती से, सोने से और दास से की है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाम सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी समानी। तुकांत का अर्थ है तुक मिलाना। कविता जब लिखी जाती है तो कविता में क्या होता है, थोड़ा लय के बारे में भी ध्यान रखा जाता है, कविता में लयात्मकता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे अक्सर क्या होता है, कविता की आखिरी पंक्तियों की जो ध्वनि होती है दूसरी पंक्ति की आखिरी जो शब्द होता है उसकी ध्वनि भी उससे जो है मिलती जुलती है। तो यहां पर तुकबंदी की गई है, जैसे पानी समानी। पाठ में अगर हम ढूंढना चाहें इसी तरह का तुक तो आप देखेंगे, जैसे मोरा चकोरा बाती राती धागा सुहागा दासा रैदासा। इस तरह से यहां क्या है, यहां कवि के द्वारा तुकबंदी की गई है, इससे कविता में नाद सौंदर्य आता है। नाद का अर्थ ही होता है ध्वनि। दोनों पंक्तियों के आखिरी शब्दों की जो फोनेटिक्स है उसकी जो ध्वनि है उसमें आप कुछ समानता देखते हैं, इसी को कहते हैं नाद सौंदर्य। और यहां पर क्या तुकबंदी की गई है। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखे। उदाहरण दीपक बाती, चंदन पानी, चांद चकोर, मोती धागा, सोना सुहागा। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे अर्थ के हिसाब से इसमें क्या है, कुछ परस्पर सहचर शब्द के रूप में देखे जाते हैं, साथ साथ चलने वाले शब्द जो है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाज जो किसे कहा स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाज जो परमात्मा को कहा है। कवि का यह मानना है कि परमात्मा बड़े ही दयालु हैं, समदर्शी हैं, वे अपने भक्तों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, वे जाति पाति ऊंच नीचे की भावना से परे हैं, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है वे उसका उद्धार करते हैं, उसका भला करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है दूसरे पद की, जाति छोटी जगत को लागे तापर तू ही भर है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट। इस पंक्ति के माध्यम से रैदास यही कहना चाहते हैं कि समाज में जिन लोगों को अछूत समझा जाता है, जिनकी छूट से ही लोग समझते हैं कि उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, लोग जिनसे दूर भागते हैं। मध्ययुगीन भारत में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, हमारे समाज में जाति पाति की दीवार जो थी बहुत ऊंची थी। ऐसे में समाज के कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे, लोगों की परछाई से भागते थे और
लोग समाज के नीचे तबके के लोगों से दूर रहते थे, प्रयास करते थे कि उनकी छूत उन्हें न लगे, मतलब वे उन्हें स्पर्श न करें। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक आए हुए जिन्होंने इस छुआछूत के विरुद्ध कई बड़े बड़े आंदोलन किए और काफी हद तक समाज में या समाज को जो है छुआछूत से मुक्ति मिली है। लेकिन अभी भी इस मानसिकता से हमारा समाज पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित है। तो समाज में ऐसे अछूत समझे जाने वाले लोगों पर भी जो है उन्होंने लोगों का उन्होंने उपकार किया, उनका भला किया और उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाई। तो ऐसे लोगों पर भी परमात्मा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है जो समाज में अछूत समझे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास ने अपने स्वामी को दूसरे पद से इसका उत्तर हम लेंगे। जैसे हमने कहा उन्होंने अपने ईश्वर को क्या कहा, पहले कहा लाल, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल मतलब हे लाल, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम्हारे अलावा कौन है जो मेरा मेरी ऐसी देखभाल करे, मेरा मुझ पर इतना उपकार करे। तो लाल। दूसरा है गरीब निवाज, गरीब निवाज गरीबों का उद्धार करने वाले, गरीबों का भला करने वाले। तीसरा है गोविंद, गोविंद नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद काहू पे न डरे। गोविंद, गोविंद ईश्वर को कहा जाता है। यहां सगुण भक्ति और गोविंद का यहां सगुण भक्ति से इसका कोई मेल नहीं है, जोड़ नहीं है या उसे इसका कोई सरोकार नहीं है। गोविंद का सामान्य अर्थ ईश्वर प्रभु। फिर उन्होंने कहा हरि जीव, हरि जीव हरि। तो यहां पर रैदास ने परमात्मा को लाल कहा, परमात्मा को गरीब निवाज कहा, परमात्मा को गुसैया कहा। गुसैया, गुसाई, गुसाई जो क्या है, गोस्वामी से बना है। तो गुसैया, गुसाई और हरि। तो परमात्मा को उन्होंने कई अलग अलग नामों से पुकारा है, कई अलग अलग नाम दिए हैं जिसकी चर्चा यहां पद में की गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए। कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका प्रचलित रूप लिखना है। मोर, मोरा मतलब मोर, चंद मतलब चांद, बाती मतलब बत्ती, ज्योति मतलब ज्योति, बरे मतलब जले, राती मतलब रात, छत्रु मतलब छाता, धरे मतलब रखे, तू ही मतलब तुम ही, छोटी मतलब छूत, गुसैया मतलब गोस्वामी। तो रैदास के पद पाठ शेष हुआ। आप घर में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर दूसरी कक्षा में हमारी और आप सबकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।